It's not even. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वेरी गुड इवनिंग भाई साहब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन, एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सॉरी थोड़ा सा, और माय गॉड ये यहां पे भी चालू हो गया अभी। जायसवाल, वेरी गुड इवनिंग। Oh my God, एडमिन सर इज ऑल्सो इन द चैट। हेलो एडमिन सर, गुड इवनिंग आपको माई ब्रदर। चलो भाई साहब, आज का आखिरी दिन है, लास्ट डे फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। ये छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, वो खत्म कर लेते हैं। कल हम लोग करेंगे क्या, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। कल हो जाएगा, फिर उसके बाद मैराथन में मिलेंगे। छोड़ेंगे नहीं भाई, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हाँ, एक नंबर। क्या बात है, हम अच्छे हैं, आप कैसे? बस जी रहे हैं, आप दुआ आपकी जी रहे हैं भाई, है ना। शुरू करते हैं भाई। ईडियम्स जो मैंने आपको बताया था, ईडियम्स ये ऐसे वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो कि आप देखोगे उनके एक्चुअल मीनिंग बहुत अलग रहते हैं, बट जब आप उनको सेंटेंसेस में यूज करते हो तो उनका मतलब बहुत अलग निकलता है ना। एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। एक्चुअल वर्ड्स का मतलब बहुत अलग है, और जब आप सेंटेंसेस में यूज करते हो तो उनका मतलब बहुत अलग निकलता है, ठीक है। हमने कल कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे हमने देखा था ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है ना। क्या सही में ऊपर वाला जब देगा तो छप्पर फाड़ देगा क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी है यार, है ना। भगवान जब देता है तो एकदम छत वत फाड़ देता है, ऐसा थोड़ी होता है ना। ऐसा नहीं होता है, राइट। चलो ठीक है, गुड इवनिंग। हुई हुई पुष्पो, अरे पुष्पो भी सुबह हो गया, पुष्पो भी सुबह हो गया। अभी प्रवीण सर से पूछना है सर लाइट देखने, ये लो। अरे गाइस, प्रवीण सर से ये पूछना है सर लाइट देखने के, वो तो सुबह हो गया। कैसे कर रहे हो आप लोग? तो हो गया, झाला पुष्पो भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, लेट्स लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, है ना। देखिए idioms एंड phrases वापस से बता रहा हूं। idioms कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जिनका मतलब एक्चुअल बहुत अलग रहता है, एक्चुअल मीनिंग बहुत अलग है, और जब आप सेंटेंस में यूज करते हो तो उसका मीनिंग बहुत अलग निकलता है। कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स मैन, व्हाट टू डू, आई कैन नॉट रीच देयर। तो अगर बोला है इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, मतलब क्या सही में कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही है? ओ माय गॉड, ये तो कुत्ता आया, ओ माय गॉड जर्मन शेफर्ड, ओ माय गॉड पग आया, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं, है ना। सोचो सही में कुत्ते, ना ऊपर वाला जब भी देते छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा होता है क्या? है ना, हम लोग कहते हैं ना मेरी मुर्गी की एक टांग, मतलब जो मैंने कहा वही सही है। हिंदी में कहते हैं ना, आपने सुना है मेरे मुर्गी की एक टांग, मतलब वो इंसान ऐसा है उसको जो जो उसने कहा वही सही है ना। तो ये सब क्या सही में उसकी मुर्गी लंगड़ी है क्या? ऐसे लंगड़ी खेलती क्या वो? नहीं, एक टांग है क्या उसकी? नहीं, है ना। तो ये क्या ईडियम्स है गाइस, ये क्या है ईडियम्स। एक्चुअल मीनिंग बहुत अलग है, बट सेंटेंसेस में जब यूज करते हो उसका मतलब बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। पेज नंबर शाइस्ता बेगम, मेरे बच्चे, पेज नंबर 48, 2 कम 50, है ना, 2 कम 50। ये चीज क्लियर है? चलो अब ऐसे ही कुछ ईडियम्स देख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे देखते हुए। देखो भाई, कुछ ऐसे ईडियमैटिक फ्रेजेस जिसके प्रिंसिपल वर्ड्स क्या है, वर्ब है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो कास्ट अ स्लर अपॉन, कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब क्या होता है? बाय वर्ड्स और एक्ट कास्ट अ स्लाइट रिप्रोच ऑन समवन। भाई क्या होता है, हम लोग खुद कुछ अच्छा कर लेते हैं ना, खुद के ही इस पे हमने 100 कुछ अच्छी चीज कर ली, बट एक काम अगर कुछ हो गया ना तो बुरा लग जाता है, हम लोगों को बुरा लग जाता है। ये समझ में? तो क्या होता है, कई बार कुछ लोग ऐसे रहते हैं दिल के बहुत अच्छे रहते हैं, बट कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि उनका पूरा जो अच्छाई है ना वो छुप जाती है
तो उसे क्या कहेंगे, कास्ट अ स्लर अपॉन, उसे क्या कहेंगे, कास्ट अ स्लर अपॉन। क्या ये चीज क्लियर है? चलो दीपांशी मेरे बच्चे, पेज नंबर है 48, दो कम 50, पेज नंबर 48 को बोल सकते हो है ना, दो कम 50। ठीक है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग 41 नंबर। हाँ नहीं, अब आप एक काम करो, सब लोग बता दो है ना, दीपांशी को सभी बता दो कि पेज नंबर 48 मैं कम हूं, आप भी बता दो, मैं काम करता हूँ, मैं एडमिन सर को भी बोल देता हूँ, वो भी बता देंगे, प्रवीण सर को भी फोन कर देता हूँ, वो भी मैसेज कर देंगे। एक दो जनों ने बता दिया, ठीक है यार, सभी लग जाते हैं यार तुम लोग पीछे, क्या कर ठीक है। चलो गुड, आई होप ईडीएम्स क्या है ये आपको समझ में आए। अब अगर आप देखो तो भाई कास्ट स्लर अपॉन इसका मतलब क्या है, बाय वर्ड्स और एक्ट कास्ट अ स्लाइट रिप्रोच ऑन समवन। स्टेटमेंट देखिए, मेनी अ मैन कास्ट अ स्लर ऑन देयर ओन गुड नेम, ऑन देयर ओन गुड नेम बाय सम मीन एक्ट। कुछ एक वो गलत कर देते ना तो पूरी अच्छाई जो थोड़ी खराब हो जाती है ना। अब एक और एक देखो, टू फॉल्स टू समवन्स लॉट, टू फॉल्स टू समवन लॉट, समवन्स लॉट का मतलब क्या है भाई, किसी की जिम्मेदारी बनना, किसी की जिम्मेदारी बन जाना। भाई साहब आप हमारे साथ में जुड़े हो, आप हमारी जिम्मेदारी हो, आपको पास करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है ना। इट हैज फॉलन टू द लॉट ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर टू पे ऑफ द डेट ऑफ द फादर। भाई साहब ये उसके पापा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं नहीं रहा तो मेरे बाद में जो मेरा पूरा कर्जा रहेगा ना वो कौन पे करेगा, मेरा बेटा, मेरा जो सबसे बड़ा बेटा, अभी तो एक ही है सबसे बड़ा बेटा जो रहेगा वो पे करेगा। तो ये क्या बोला है, इट हैज फॉलन टू द लॉट ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे बड़ा भाई जो रहेगा ना वो पे कर रहा है भाई, कौन, उसके पापा के डेट्स है ना। क्या बोला है, टू फॉल्स इन समवन्स लॉट, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है भाई, टू गिव एंड टेक पॉलिसी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे बताओ, अ गिव एंड टेक पॉलिसी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, गिव एंड टेक पॉलिसी को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, ए हिंदी में क्या कहते हैं गिव एंड टेक पॉलिसी को मुझे बताओ चैट में। वेरी गुड, एक हाथ दे एक हाथ ले है ना, एक हाथ दे एक हाथ ले, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। क्या बात है, क्या बात है, एक हाथ दे एक हाथ ले, वेरी गुड सर। हमारे अभिजीत सर के लिए ऐसा मत बोले, अरे नालायक है अभिजीत सर सुनो ठीक है, एक हाथ दे एक हाथ ले, वेरी गुड एक्सेलेंट। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, अ गिव एंड टेक पॉलिसी मतलब पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल कंसेशन। भाई सिंपल सी बात है, अब गिव एंड टेक पॉलिसी अलोन कैन रिस्टोर पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई साहब सिर्फ इंडिया नहीं रह सकता है कि जो बोले नहीं नहीं हमें पीस चाहिए है ना, पाकिस्तान बोलेगा वो 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 बूम है ना, वो वाह बाय तुम क्या करता है बूम, ऐसा नहीं कर सकता पाकिस्तान है ना, ऐसा नहीं कर सकता भाई साहब। दोनों तरफ से अगर हम अमन और शांति चाहते तो उन लोगों ने भी अमन और शांति चाहना चाहिए। ठीक है, बट जनरली अगर मैं बताऊँ दिस इज वॉट आई फील, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार लोग, दोनों कंट्रीज के लोग ये शांति ही चाहते होंगे, हमारे यहाँ के भी लोग शांति चाहते हैं, वहाँ के भी लोग शांति चाहते हैं, बट इट इज वॉट इट इज है ना। खैर एनीवेज, ठीक है चलो नेक्स्ट अगर आप देखो तो ऐसा ही कुछ है ना, टू कीप अ थिंग टू वन सेल्फ, टू कीप अ थिंग टू वन सेल्फ, या तो फिर बोला जाता है टू कीप वन्स ओन काउंसिल। इसका मतलब क्या होता है भाई, आप अपने इंटेंशंस किसी को बताओ मत है ना, आप जो सोच रहे हो वो किसी को बताओ मत। टू कीप अ थिंग टू वन सेल्फ, जो आप सोच रहे हो ना अपने तक ही रखो, किसी को बताओ मत। क्या बोला है, अ ग्रेट लीडर मस्ट अल्टीमेटली कीप हिज ओन काउंसिल। भाई साहब अपनी बातें आप अपने तक ही रखो, लोगों को मत बताओ, समझ में आया।
है। नाना तलहा मूवी अभी नहीं, शॉपिंग हो गई है। मैं अभी जस्ट आया हूँ शॉपिंग करवा के। बहुत बढ़िया यार शॉपिंग करवा कर, बैग पकड़ पकड़ के थक गए। चलो क्लियर है गाइस, और कुछ ऐसे देख लेते हैं। टू सेट स्टोर ऑन, इसका मतलब क्या होता है? टू कंसिडर टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। टू सेट स्टोर ऑन का मतलब क्या है? टू कंसिडर टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब अपने आप को कुछ है ना इंपॉर्टेंस, अपने आप को एक लेवल पे सोचना है ना। देखो, इंडिया डिड सेट मच स्टोर ऑन द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। भाई हम इंपॉर्टेंस लेवल है, हमारा एक इंपॉर्टेंस है, वर्ड है अपना, है ना, ये चीज है। क्या बात है लियो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाइक कर दो गाइस, एक नंबर। यस, वीडियो को लाइक कर दो, कमी नहीं छोड़ना चाहिए, लाइक में कमी नहीं आना चाहिए भाई। ठीक छे, फिर और अगर आप देखो तो कुछ ऐसे इडियमैटिक मिसलिनियस इडियमैटिक फ्रेजेस रहते हैं, है ना। जैसे क्या बोला है, टू कुक और डॉक्टर एन अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है भाई? कोई भी चीज को टैम्पर करना, किसी भी चीज को क्या करना, गलत तरीके से उसमें काढ़ी करना। हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उसने काढ़ी करके उसको गलत किया है, गलत तो उसको सही दिखाया, काढ़ी कर देना हिंदी में जो कहते हैं, है ना। या तो फिर आप इंग्लिश में कहो तो टैम्पर करना, गलत रिप्रेजेंट करना, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, किसी बुक को कुक कर सकते हो, या अकाउंट को डॉक्टर, या फिर क्या कहते हैं, अकाउंट को कुक कर सकते हो और बुक को डॉक्टर कर सकते हो, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, अरे आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कि अपने बातों में हो? आर यू गाइज लिसनिंग? आई होप यू गाइज आर लिसनिंग। ठीक है, आई होप। चलो, टू कुक और टू डॉक्टर का मतलब क्या होता है गाइज? टू कुक और टू डॉक्टर का मतलब क्या होता है? एन अकाउंट, है ना। टू कुक और डॉक्टर एन अकाउंट और अ बुक, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को गलत तरीके से, है ना, उसको ऑल्टर करना या तो फिर टैम्पर करना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, फ्रॉम द बैलेंस शीट प्रेजेंटेड टू द शेयर होल्डर्स, द कंपनी सीम टू बी फ्लरिशिंग, है ना, बट लेटर ऑन इट टर्नड आउट दैट द मैनेजमेंट हैड कुक्ड द अकाउंट, है ना। इसका मतलब क्या है? बैलेंस शीट तो ऐसा लग रहा था यार क्या कंपनी है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, अरे वाह 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 वाह, बट जब एक्चुअली पता चला तो ऐसा था कि नहीं यार, ये कंपनी तो पूरी बोगस है ना। हाथी के साथ खाने के और है, दिखाने के और है, ये तो भाई दिखा रहा है कि इतने बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे, बट अंदर से पूरा खोखला, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुन रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। टू ब्लंट द एज, ब्लंट द एज मतलब क्या? उसको कम इफेक्टिव कर देना, एक्सक्यूज मी, कम इफेक्टिव कर देना, है ना। ब्लंट द एज, इसका मतलब देखो सेंटेंस क्या है, टाइम ब्लंट द एज ऑफ द ग्रीफ, एक्सक्यूज मी, समय जो है वो हर गम को हर लेता है, हर दुख को हर लेता है ना, हर चीज का समाधान जो है वो सही समय के अनुसार या सही समय पर आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लियो, नॉट टू मिस इंटरप्रीट बट टू मिस रिप्रेजेंट समथिंग। शुभम बोल रहे हैं सर, ईडियम याद नहीं रहते। बेटा अगर आपको ईडियम याद नहीं रहते तो आप ईडियम्स याद करो। पर खैर, जोक सपाट, इसमें सिंपल रूल मैंने आपको बताया कि आप 10 से 15 ईडियम्स रोज याद करें, आपको याद हो जाएगा, राइट। ओनली ट्राई टू रिमेंबर 10 to 15 ईडियम्स पर डे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। 10 to 15 एंड यू विल बी गुड टू गो, ऑल सेट। ठीक है, ठीक है, आप लोग क्यों हंस रहे हो? आलोक अवस्थी, टू ब्लंट द एज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम इफेक्टिव करना। अब जाहिर सी बात है भाई, आपको अगर लग गया तो समय के साथ साथ उसका दर्द कम होता है। वेरी गुड ओवेज बेटा, गॉड ब्लेस यू।
ओके गुरजोत, थोड़ा सा मेरे भाई गुरजोत, थोड़ा सा टाइम दो, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है। यार पता नहीं यार, आप लोग किस चीज पे हंस रहे हो? आई रियली डोंट नो आप लोग किस चीज पे हंस। सर यू आर द स्पिरिट ऑफ सी एस का टेन। ना, गाइज मैं एक चीज बोलता हूँ, आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस। आई एम नॉट द स्पिरिट ऑफ सी एस का इंडिया, आई एम नॉट, मैं ब्लंटली कह रहा हूँ, आई एम नो बडी, है ना भाई साहब। अगर आप सिंगुलैरिटी में देखें तो अभिजीत जायसवाल इज नो बडी, बट हाँ अगर आप टीम देखें भाई अभिजीत जायसवाल इज समथिंग। पहली बात, सी एस का एक टीम है, प्रवीण सर, सूरज सर, एडमिन सर, ये सब की वजह से सी एस काट है। मैं उसका एक छोटा सा पार्ट हूँ भाई, है ना, ठीक है, हम सब साथ में, कोई बड़ा कोई छोटा, मैं एक नॉर्मल छोटा सा पार्ट हूँ और मैं एग्जिस्ट करता हूँ बिकॉज आप लोग हैं। मैं दीवारों को तो नहीं पढ़ा सकता, सिंपल सी बात है ना। तो थैंक यू सो मच, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। चलो हो गए याद, क्या बात, टाइसन ब्राउन आप कह रहे हैं मीनिंग्स याद नहीं होते। बेटा मीनिंग्स आपको एक बार याद नहीं हुए तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब शब्द है उसकी मीनिंग दिए हैं, अब ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, समझ लो शब्द और उसको याद करो, ठीक है। चलो देखो क्या सवाल आएगा, आप देखो, टू फोर्स वन्स हैंड, इसका मतलब क्या है, टू फोर्स वन्स हैंड, टू कंपेल वन टू डू समथिंग अनविलिंगली, इसका मतलब क्या है, टू कंपेल वन, टू कंपेल सम वन टू डू समथिंग अनविलिंगली, है ना, और अर्लियर देन व्हेन वन विश टू डू इट। सीधी सी बात है भाई, कितने लोग ऐसे हैं, कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जो कि शॉपिंग जाना पसंद करते हैं। मेरे भाइयों ये बताओ, लड़के को तो पसंद है शॉपिंग जाना, पर लड़के लोग, मेरे भाइयों मुझे ये बताओ, है ना, बहने तो ठीक है भाई, आप लोगों को पता है शॉपिंग पकड़ अच्छा लगता है, ठीक है उसको साइड लड़ लो, कितने प्रतिशत अच्छा लगता है, नहीं, बट मम्मी लेके जाते ना, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, बोलती है ना अरे चलो ना मेरे साथ, अरे सुनो जी चलो ना, मेरी वाइफ है, बताना मत, बट लेकर जाती है ना शॉपिंग पर, पसंद है क्या, अरे बिल्कुल पसंद नहीं है, अरे किसको पसंद है शॉपिंग जाना, इसकी स्टोरी मत डाल देना प्लीज, लेट दिस बी अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। अरे किसको पसंद है, कोई आदमी को शॉपिंग पसंद नहीं है भाई, नहीं पसंद, बीवियां लेकर जाती है, जाना पड़ता है। टू फोर्स वन्स हैंड, आई वॉज फोर्स्ड, आई वॉज फोर्स्ड कि भाई जाना पड़ेगा, है ना, द गवर्नमेंट वॉन्टेड टू डू ऑल दैट इट कुड टू मीट द वर्कर्स डिमांड, बट द वायलेंस बाय द स्ट्राइकर्स फोर्स देयर हैंड्स टू डिक्लेयर अ लॉकआउट। नहीं करना चाहते थे बट ठीक है करना पड़ा। आई वॉन्टेड टू सिट एंड मेक नोट्स बट सिंस माई वाइफ केम बैक अर्ली शी फोर्स्ड माई हैंड टू टेक हर आउट फॉर शॉपिंग। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच आकांक्षा, इट मीन्स अ लॉट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव ऑन टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज। क्या बोल रहा है, टू बी भाई साहब पंक्टिलियसली केयरफुल अबाउट वन स्पीच और बिहेवियर। भाई साहब आपको ध्यान देना पड़ेगा कोई और क्या बोल रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, सब एकदम एकदम ऐसे ही बैठना है, इतना ही स्माइल करना है, ऐसे नहीं हंसना है, ठीक है। होता है भाई एक एक चीज नाप तोल के, अपने से ना हो पाई भाई ये सब, अपन जो है वो है, ठीक है, अपने से ये सब नाप तोल के ना हो जाए, ये ना हो पाए, ठीक है भाई साहब। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें नाप तोल के एकदम ऐसा तो ऐसा ही, ऐसा तो ऐसा ही, ये सब चीजें नहीं करना है ना। होता है कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसका मतलब टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, कुछ चीजें एकदम टू द पॉइंट रखने का। ऐसे ही आपको कुछ ईडियम्स आएंगे, ऐसे ही कुछ आपके क्या आएंगे, ईडियम्स आएंगे गाइस। नेक्स्ट तो देखो, टू सी अ थिंग टू थ्रू कलर्स कलर्ड स्पेक्टिकल्स, मतलब क्या है,
भाई किसी भी चीज को अनफेवरेबल चीज मानना। कलर्ड स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या है कि भाई उसको अपने तरफ से, अपना जो प्रिजडाइज है, अपना जो सोच है, उस हिसाब से ही देखना। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है आपको, अगर मैं और बताऊं, टू टाई समबडीज हैंड। टू टाई समबडीज हैंड का मतलब क्या है? टू रिस्ट्रिक्ट समबडीज एक्शन, है ना, किसी का कोई एक्शन रोक देना, या किसी के ऊपर में वो फ्रीडम उसको ना मिलना, किसी के ऊपर वो अथॉरिटी ना रहना, है ना। देखो क्या बोला है, ऑल्दो द मैनेजमेंट वॉज अवेयर ऑफ द सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ देयर एम्प्लॉयज वॉज गोइंग थ्रू, इट कुड नॉट पास द लोन फॉर इट वॉज सॉरी फॉर इट्स हैंड्स वर टाइड बाय द कंपनीज पॉलिसीज। मैनेजमेंट को पता था भाई साहब कि वर्कर्स के पास में पैसा नहीं है, बहुत तंगी है, वो लोन सैंक्शन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज कंपनी के पॉलिसी ने उनके हाथ बांध रखे, है ना। हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, यार वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे बस में नहीं है, इट्स नॉट इन माई हैंड्स। ये समझ में आए? मीरल मोटा मोटा बेटा, 35 क्वेश्चंस। प्रियांशी सर, हेयर और बियर्ड बहुत बढ़ गई आपकी, क्यूट लग रहे हो। नहीं बेटा, आज ही डांट पड़ी है, कल उड़ जाएगा ये सब। चल, यहां तक क्लियर है क्या गाइस? समझ में आए? इडियमेटिक ऐसे फ्रेजेस जिसमें क्या है भाई, नाउन है और एडजेक्टिव है। अब देखो, बैड ब्लड का मतलब क्या है? खराब खून नहीं, बैड ब्लड का मतलब क्या है? इल विल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब किसी एक दूसरे के अगेंस्ट में कैसा नफरत रखना, नफरत, है ना, इल विल, है ना, या तो फिर नॉट नफरत बट थोड़ी सी खटास रखना मन में, खटास, है ना। देर हैज बिन बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस 1947, अब से है यार, कोई शांति वाला माहौल नहीं। कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या होता है? कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है इन एडिकेट कंसोलेशन। भाई साहब, कोई वैसा दिल खोल के किसी को सहारा नहीं देता, मतलब हाँ अच्छा, किसी ने आपको बोला और अरे तेरी गाड़ी चोरी हो गई, कोई बात, चल ठीक है, मैं मिलता हूँ, ओके बाय। अच्छा, तेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, सॉरी है, कोई बात, बाय। ओ, हम बेचारा रो रहा है, चल मिलता हूँ, ध्यान रखा, बाय। कोल्ड कंफर्ट सर, नाम के लिए क्या कंफर्ट देना यार, तो सहारा देना तो सही तरीके से सहारा दो, है ना, ये चीज होती है। गाइस क्लियर है क्या? क्या ये चीजें क्लियर है? समझ में आया? पेज नंबर 53 पे लिंच लॉ, पेज नंबर 53 ये रहा, लिंच लॉ कहाँ है भाई? ये रहा लिंच लॉ। लिंच लॉ का मतलब क्या है? मॉब लॉ, लॉ एडमिनिस्टर्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड फॉलोड बाय समरी एग्जीक्यूशन। क्या बोल रहा है भाई साहब? लिंच लॉ का मतलब क्या है? जो भीड़ चाल में जो चलता है ना, अब देखिए कई बार क्या होगा, ऐसी भीड़ आ जाएगी, बहुत सारी ऐसे लोग आ जाएंगे, अब उनकी एक मानसिकता है। लिंच लॉ का मतलब क्या? मान लो ऐसी भीड़ आई, उन्होंने बोला चिल्लाओ, ये भगवान का नाम लो, ये ऊपर वाले का नाम लो, ये करो वो करो, ठीक है, आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम अ प्राउड हिंदू, मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसका नाम लू या मैं उसका नाम। बट उन लोगों ने अगर मुझे घेर लिया, और अगर मैंने तभी नाम नहीं लिया तो पेल देंगे मेरे को 2-3 चाटे, वो उनका कानून है। भाई घूमने जाते हैं, है ना, आप महीनों भर या साल भर पार्क में देखोगे तो जो बाबू बेबी रहते हैं वो बैठे रहते हैं, बाबू बेबी जो रहते हैं वो बैठे रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, बाबू बेबी बैठे रहते हैं साल भर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जैसे ही 14th अप्रैल, 14th फरवरी आया, सब आ जाते, एक गमछा डालेंगे भगवा रंग का, मम्मी पापा का बुलाओ, मम्मी पापा को बुलाओ, भाई तो कुछ प्रॉब्लम है तो साल भर रोक लोगों को,
एक ही दिन में क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है, साल भर से कुछ नहीं हो रहा, एक ही दिन में तेरी संस्कृति आ जा रही है। ये क्या है, लिंच लॉ है भाई। वो झुंड ने उनका, लोगों का जो सोच है ना, वो चीज बन जाती है लॉ उस समय पे। कई बार ये लीगल हो सकता है, कई बार ये इलीगल भी हो सकता है। क्या चीज क्लियर है? ठीक है, हाँ, बजरंग दल वाले बोलो, कोई भी, आई वोंट से एनी, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, प्रज्वल बेटा, इसका एक ही तरीका है। देखो, मैं हर एक वर्ड तो नहीं बता सकता हूँ, एक ही तरीका है कि आप वर्ड पढ़े, ईडियम पढ़े और उसका मतलब पढ़ ले, ईडियम पढ़े और उसका मतलब पढ़ ले, प्रज्वल। ठीक है, अब व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है? सफेद हाथी। ना ना ना, व्हाइट एलिफेंट का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन, ना। कोई कोई कुछ रिलेशंस में ऐसे रहते हैं जो जब सामने वाला पार्टनर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है मेंटेन करने के लिए, है ना। यार लोग कहते हैं भाई तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ जाती है, प्रवीण सर बोलते हैं यार अब जी तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ जाती है यार, तू इतना खा लेता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। व्हाइट एलिफेंट क्यों भाई? समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। आपके पास में एक एंटीक गाड़ी है यार, वो 4 किलोमीटर चलेगी और फिर खराब हो जाएगी, फिर 4 किलोमीटर चलेगी फिर खराब हो जाएगी, हर बार 10-10 हज़ार रुपए का खर्चा उसको सर्विस करवाने का। इट इज नथिंग बट अ वाइट एलिफेंट दैट इज वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। आप ऐसी गाड़ी को क्या करो, बेच डालो। समझ में आया? ठीक है, क्या चीज क्लियर है गाइस? चलो, तो ये थे भाई, ये क्या है, ये कुछ idioms and phrases हैं। अब भाई साहब, preposition, idioms and phrases, अब अगर आप देखो, phrases जो है to be वाले, to be worth its weight in gold, इसका मतलब क्या है भाई साहब? बहुत बहुत valuable रहना। तो जब आप रेगिस्तान में जाते हो तो each bottle of water is often the worth of its weight in gold। भाई साहब उस, वो बहुत valuable रहती है, सही में सोने की जितनी महंगी है कि नहीं, बट बहुत valuable हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप और देखोगे, टू बी इन वंस लास्ट लेग, है ना, क्या बोला है, नियर द एंड ऑफ लाइफ, है ना, यूजफुलनेस या तो फिर एग्जिस्टेंस। भाई साहब खत्म, वो हिंदी का क्या है, एक पैर कबर में, हिंदी में एक पैर कबर में, है ना। टू बी वंस लास्ट लेग का मतलब क्या भाई, हो गया, समय खत्म है इसका, टाइम भर गया है ना। टू बी वंस लास्ट लेग। With the increasing use of computers in office, it seems that the typewriters या typewriter is at its last leg। हो गया, दिन भर गए इसके, है ना, हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको, दिन भर जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू प्रज्वल। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये ऐसा मत बोलो यार, प्रिंसिपल को व्हाइट एलिफेंट मत बोलो। सी एंड शिप, ऐसे ही कुछ इडियम्स है जो कि आप लोग क्या करेंगे गाइस, ग्लांस करेंगे। प्रोवर्ब्स कुछ दिए, प्रोवर्ब्स ये हमेशा हम देखते हैं, बेटर लेट देन नेवर, है ना, कहावतें, मुहावरे, है ना, मुहावरे भाई जो सब जगह सही बैठते हैं। इट्स बेटर लेट देन नेवर इंग्लिश में भी सही है, हिंदी में भी, दुर्घटना से देर भली हिंदी में भी सही होता है। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब जगह सही बैठते हैं, है ना। पेज नंबर 48 पे बॉइल डाउन, बेटा बॉइल डाउन वाला क्या है, अमाउंट टू, इसका मतलब क्या होता है कि भाई सारी चीजों का निष्कर्ष, या उसका इतनी सब बातें किया, इतनी सब बातें हुआ, वो क्यों कर रहा था बातें, बिकॉज उसको टाइम पास करना था। ये समझ में, बॉइल डाउन टू, ये समझ में आया, बॉइल डाउन टू मतलब अमाउंट टू, उसका क्या हो रहा है, मतलब क्या निकल रहा है। ओके अरजीत बेटा, थोड़ा ये कर लेते हैं, फिर बिल्कुल आपको टिप्स भी बताऊंगा। ठीक है,
फिर क्या बोला है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब क्या, भाई सेम थिंकिंग वाले जो लोग रहते हैं वो साथ साथ रहते हैं, है ना. एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो हम कहते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, भाई सेम थिंकिंग वाले जो लोग रहते हैं साथ साथ बस जमती है उनकी, है ना. फिर इसके बाद में आता है भाई, इट नेवर रेन्स बट पोर्स. ये विकी कौशल का वो मीम याद आ जाता है, ये पढ़ते पढ़ते, ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे, है ना, वो चीज. भाई साहब ये ऐसा नहीं है कि दुख थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत सारा आता है, बहुत बहुत, है ना. इट नेवर रेन्स बट पोर्स, बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ मिलता है ना, दुख दुख की बारिश. फिर इसके बाद में आता है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, है ना. आपके पास में ऑप्शन नहीं, इसका मतलब क्या, ऑप्शंस नहीं होना. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इसका हिंदी का अनुवाद बताओ भाई, हिंदी का मुहावरा बताओ. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इसका हिंदी का मुहावरा बताओ. ये आपको पता होगा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इसका हिंदी वाला मुहावरा बताओ. हाँ नहीं, छप्पर फाड़ के देना. नहीं श्रेयांशी, वेरी गुड ईशा, अंत भला तो सब भला. श्रेयांशी वेरी गुड, अंत भला तो सब भला. गुड इवनिंग शुभम, पता नहीं प्रज्वल, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला. यस वेरी गुड, वेरी गुड. साहिबा अली इसमें पूछ रहे सवाल कैसा आएगा, आपको सीधा सीधा ये पूछ लेगा कि भाई ये जो फ्रेज है इसमें कौन सा ईडीएम है ना, या ईडीएम का मतलब, ये जो सेंटेंस है इसमें ये पर्टिकुलर ईडीएम यूज हुआ उसका मतलब क्या है, या तो फिर वो सेंटेंस का मीनिंग बताने बोल देगा, ईडीएम का मतलब बताने बोल देगा, या सेंटेंस में जो ईडीएम यूज हुआ उसका मतलब बताने बोल देगा, या तो एक ईडीएम देगा, है ना, एक सेंटेंस दे देगा, उसमें बोलेगा सही ईडीएम पुट करके बताओ. सिंपल, कुछ भी पूछ सकते हैं. अंत भला तो सब भला, वेरी गुड वेरी गुड. अब भाई साहब ये आपको पूछ सकता है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस. अब जैसे देखो इसमें दिया है एब इनिशियो, ये लैटिन वर्ड है ना, इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है, लैटिन फ्रेंच ग्रीक, है ना, संस्कृत, ये सब वर्ड्स से, यहां से उसका रूट वर्ड्स आते हैं. अब एब इनिशियो ये लैटिन वर्ड है ना, कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है. इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग. एब ओरिजिन का मतलब होता है फ्रॉम द ओरिजिन. ऐसे ही एड वेलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. अला कार्ट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कार्ट या लिस्ट. अब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे आपको बुफे मिलता है, या तो फिर आप अला कार्ट ऑर्डर कर सकते हो, मतलब एज पर द मेन्यू, ठीक है, ये सब रहते हैं. फिर इसके बाद में आप देखो बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, जेन्यून या सिंसियर. बॉन वॉयज का मतलब क्या होता है, हैव अ गुड जर्नी. हम कहते हैं बॉन वॉयज, है ना, ये का इसका मतलब क्या है, ये फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है. बॉन वॉयज मतलब क्या है, हैव अ गुड जर्नी, ठीक है. फिर उसके बाद में इसी तरीके से और दिए हैं, डी नोवो का मतलब क्या होता है, डी नोवो का मतलब होता है एकदम वापस से रिन्यू करना, या तो फिर से करना, अगेन, है ना. फिर अगर आप देखो तो एलीट का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल क्लास या ग्रुप के लोग, है ना, उसे कहते हैं एलीट, उसे क्या कहते हैं, एलीट. ठीक है, एक्स ऑफिशियो मतलब भाई पुराना, आपके स्टेटस की वजह से या आपकी पोजीशन की वजह से आपको कुछ नाम मिल रहा है या पोजीशन मिल रही है ना. इन मेमोरियम का मतलब इन मेमोरी ऑफ. लेजी फेयर का मतलब क्या है, कि भाई हमको ये चीज करके चाहिए, अब भले ही आप उसको, मान लो अगर आप मेरे ऑफिस में काम कर रहे हो, है ना, तो मेरा काम करवाने का तरीका सिंपल है. मैं क्या बोलता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि देखो भाई ये दिन भर का टास्क है ना, आपको फलाना टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है. अब आप वो 1 घंटे में करो, 2 घंटे में करो, 3 घंटे में करो, या रात तक बैठ के करो, आई डोंट केयर, मुझे शाम तक काम करने चाहिए. अभी नहीं बोल रहा हूं, शाम तक करके दो, ठीक है. अब वो काम है 2 घंटे का या 3 घंटे का काम है, आपके पास में है 5 घंटे, आपको जैसे यूज करना है वैसे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस काम से मतलब है, मैं आपके काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मुझे रिजल्ट्स चाहिए. ये कैसा तरीका हो गया, ये हो गया लेजी फेयर, मतलब अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. कैसा है भाई, ये नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी है, मैं आपके कामों में इंटरफेयर नहीं करूंगा, ठीक है. प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है, पहली बार जब हम देखते हैं तो क्या सही, इन फर्स्ट कंसिडरेशन, इन फर्स्ट व्यू ऑफ कंसिडरेशन, कि भाई जब आप पहली बार कोई चीज देखते हो तो पहली नजर में,
पहली नजर में आपको वो क्या दिख रहा है, वो सही दिख रहा है, गलत दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना पहली नजर। प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनल बेसिस पे। प्रोराटा का मतलब क्या होगा, प्रोपोर्शनल बेसिस पे ना। सुई जनरस का मतलब है ऑफ द सेम क्लास ना। टेरा इनकॉग्निटा का मतलब है ऑफ अननोन टेरिटरी। वाइसा वर्सा का मतलब होता है कॉन्वर्सली। अब ये तो हम लोग यूज करते हैं वाइसा वर्सा, इसके लिए बी था, बी के लिए ए था, वाइसा वर्सा। ठीक है भाई, वो वॉज भाई ओरल एग्जामिनेशन जो कि आपका नहीं हो रहा है ना। इसी की जगह पे क्या हो रहा है, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, जो कि मैं कर लूंगा। ठीक है, फिर एब्रीवेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई साहब आप लोग जब वर्ड्स को छोटा करते हैं, आप लोग जब वर्ड्स को क्या करते हो, छोटा करते हो, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, एब्रीवेशन। इसके कुछ रूल्स थे जो कि हमने क्या देखा था कि भाई साहब डू नॉट यूज एब्रीवेशन। सबसे पहला क्या है, अगर आप उसको इजीली अवॉइड कर सकते हो तो उसको यूज ही मत करो। अब जैसे कुछ बच्चे मुझको मैसेज करेंगे, सर गुड नाइट। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात, गुड नाइट, चार और पांच, नौ अल्फाबेट्स का, नौ लेटर्स है ये इसमें पूरे, इसमें इसको आपने क्या ही कर दिया, क्या ही कर दिया, गुड नाइट। क्या बड़ा काम किया, दोनों में से एक एक अल्फाबेट बजाओ इस दुनिया में, क्या बड़ा काम हुआ, गुड नाइट। वाह, नहीं, अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो एब्रीवेशंस। ठीक है, फिर इसके बाद में फुल स्टॉप मत यूज करो, फुल स्टॉप को केयरफुली यूज करो अगर सही है। पंक्चुएशंस जो रहेंगे जैसे रहेंगे वैसे ही यूज होंगे, पंक्चुएशंस पंक्चुएशंस चेंज नहीं होते सेंटेंसेस में। ठीक है, फिर इसके बाद में लैटिन एब्रीविएशंस की अगर आप बात करते हैं, तो एब डोमिनी एनो, सॉरी एनो डोमिनी, एडी का फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, हाँ, गुड नाइट स्वीडीम, टेक केयर, कुछ भी बोल देते हैं वो कई बार। अच्छा, मैंने एक दो बच्चों से पूछा भी, वो ऐसा करके ना ऐसा स्माइली भेजते उल्टा, क्या मतलब है इसका ऐसा स्माइल, नॉर्मल भेजो ना यार, कहाँ ऐसा भेज दो, ऐसा क्यों भेजते हो, क्या मतलब इसको, जो भी मतलब होगा। ठीक है ना, एटसेट्रा, हम लोग ईटीसी लिखते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, एटसेट्रा। ईजी एग्जाम्पल जो हम लोग एग्जेम्पली ग्राशिया है ना, एग्जेम्पली ग्राशिया, ये क्या भाई, ये अगेन अगर आप देखोगे तो लैटिन फॉरेन वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म्स है। ठीक है, मेरे को आई स्वेर मेरे को पता था, मेरा ये कनेक्ट बैठ गया तुम लोगों के साथ में, और मुझे पता था कि तुम लोग ये भेजोगे। आई सो न्यू दिस कि तुम लोग ये भेजोगे, आई सो न्यू दिस ये भेजने वाले, मेरे को पता था ये चीज, आई वॉज श्योर। बट मैंने जानबूझ के बोला नहीं, बोला नहीं बोलूंगा तो और भेजोगे है ना, नहीं मतलब बोल दिया तो और भेजोगे, और वही किया तुम लोगों ने, वही किया है भाई। समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया मेरे को, बच्चे लोगों का समझ में आ गया, बदमाश बच्चे मेरे। चल ठीक है, ग्रेट। नहीं बट गाइस बहुत दिल से प्यार है आप लोगों को, ध्यान से सुनिए, एब्रीवेशंस भाई कब कब यूज नहीं करना है, कौन कौन सी चीज को एब्रीवेट नहीं करना है। तो भाई जो नॉर्मल वर्ड्स है जैसे थ्रू, नाइट, या अभी बताया मैंने, इन लोग इनको एब्रीवेट नहीं करना है। डेज ऑफ द वीक, मंथ्स को एब्रीवेट नहीं करना है। जो सेंटेंस के बिगनिंग में वर्ड आ रहे हैं इनको एब्रीविएट नहीं करना है, छोटा नहीं करना है। लोगों का नाम है ना, अब मेरा नाम अभिजीत है, इतने प्यार से मेरे माता पिता ने अभिजीत नाम लिखा है ना, लोग अभिजीत अभिजीत कुछ भी है ना। अब भाई किसी के पेरेंट्स ने बहुत अच्छा नाम, भाई साहब गगनदीप, बहुत प्यारा नाम, अगर किसी के मम्मी पापा ने रखा उसको छोटा कर देंगे, ए गगन, ए गगू, ए गु, कुछ भी बोल देंगे यार, ना काहे को छोटा करना है ना। चल अब इसके बाद का जो टॉपिक है ना गाइस, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, कुछ नहीं है इसमें। आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है,
इसका ट्रिक क्या है, पूरे क्वेश्चंस को आप लोग पहले पढ़ेंगे, जो पैसेज दिया है उसके सवालों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में आप जो पैसेज है उसके बाद में आप पैसेज को रीड करेंगे, और फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप मार्क तो नहीं कर सकते बट एटलीस्ट ध्यान रखो। तो सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा कि आप क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद में आप पैसेजेस पढ़ो और फिर आप लोग क्या करो उसके आंसर्स दो। तो ये तो बहुत आसान है, ये आप लोग कर सकते हो। पैसेज जो है, पैसेज का आंसर देना मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है, बस हाँ इसमें जो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग जरूर देखेंगे अभी। ठीक है, अब बच्चे लोग ये पूछते हैं सर इसी में से पैसेज आएंगे क्या? नहीं, इसी में से पैसेज नहीं आएंगे, पैसेज जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी पैसेज आ सकते हैं। अब देखो एक चीज आता है, एक टॉपिक रहता है पैराजंबल्स। पैराजंबल्स का मतलब क्या है, ये आता है ना, ये पूछता है एग्जाम में। पैराजंबल्स का मतलब क्या है कि आपको चार पांच सेंटेंसेस देगा, वो सेंटेंसेस उल्टे पुल्टे ऑर्डर में रहेंगे। पैराजंबल्स का मतलब क्या है कि चार पांच सेंटेंसेस देगा, वो सेंटेंस उल्टे पुल्टे ऑर्डर में रहेंगे, आपको सही सेंटेंस में लगाना है, आपको उसको सही सेंटेंस में क्या करना है, ऑर्डर लगाना है। देखो अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, पीपल हु स्टार्ट अप देयर ओन बिजनेस टिपिकली कम फ्रॉम टू एक्सट्रीम बैकग्राउंड्स, वन इज द बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड एंड द अदर इज अ स्टडी प्रोफेशनल फैमिली बैकग्राउंड। टिपिकली पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, द पीपल फ्रॉम बोथ द बैकग्राउंड्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एन एंटरप्राइज, स्टार्टिंग अप एंड मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस इज नॉट अ जोक। अभी चार सेंटेंसेस दिए, चारों जो है वो अलग अलग इसमें सीक्वेंस में दिए, आपको सही सीक्वेंस बताना है जिससे कि आपका क्या बनेगा, आपका एक पैराग्राफ बन जाए। तो देखो सबसे पहला सेंटेंस ये आएगा कि भाई एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं, उसको मैनेज करना है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, जोक नहीं है भाई साहब, है ना। तो ये पहला सेंटेंस आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा, भाई साहब अलग अलग लोग जो बिजनेस करते हैं वो दो बैकग्राउंड से आते हैं, एक वो जो कि नॉर्मल बैकग्राउंड से, प्रोफेशनल वाले बैकग्राउंड से, दूसरे वो जो कि आपके बिजनेस क्लास वाले, बिजनेस बैकग्राउंड एकदम बिजनेस फैमिली वाले। ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो तीसरा क्या आएगा, भाई साहब जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, बोथ द बैकग्राउंड्स, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है ना। दे फाइंड इट पीपल फ्रॉम बोथ द बैकग्राउंड्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज द एंटरप्राइज, बिकॉज उन लोग की जो प्रॉब्लम रहती है डिफरेंट रहती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम, सिंपल। ठीक है, ओके, यस, अरेंज इन सीक्वेंस, वेरी गुड, यस लियो मेरे भाई, ओके 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 ओके। ठीक है चल, पेज नंबर क्या है कोई बताएगा? कोई क्यों, मैं बताऊंगा ना आपको, कौन है ये? आगम जैन, आगम मेरे भाई, पेज नंबर है 83 से हम आगे बढ़ गए हैं, लेट अस मूव ऑन टू पेज नंबर 84। आगम मेरे भाई पेज नंबर 84 पे आ जाओ, है ना, सेंटेंस कंप्लीशन। आगम मिर्बाय सेंटेंस कंप्लीशन पे आ गए। सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब क्या है, आपको चार पांच, चार सेंटेंसेस दिए, पांच नहीं चार सेंटेंसेस दिए रहेंगे, एक दो तीन चार, चार सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उसमें ये बोलेगा कि भाई कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या किसमें पंक्चुएशन सही लगे वो बताओ, कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है वो बताओ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहां देखोगे कौन सा सेंटेंस आपको ये चारों में से सही लग रहा है वो बताना है ना, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ग्रामेटिकली कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये देखना पड़ेगा, सिंपल। जोक, नो जोक सही में याद नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब क्या है, अब आपको अलग अलग तरीके से, जैसे एक सेंटेंस है आई लव टू ईट बिरयानी, अब आपको जंबल अप करके दे देगा, बिरयानी ईट टू लव आई, ये कोई प्रॉपर सेंटेंस है कि नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा उसको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा, सिंपल। इसे क्या कहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एक हो गया। फिर आता है सेंटेंस कंप्लीट, ये सबसे आसान है, ये पूछता भी है, ये सबसे आसान है और ये पूछता भी है, क्या आपको एक सेंटेंस दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स बोलो कुछ भी, तो आपको सही वर्ड उसमें पुट करना पड़ेगा, सही वर्ड उसको पुट करना पड़ेगा, पता है ना, सिंपल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, डैश आई वुड हेल्प ऑल द पुअर पीपल, क्या बोला है, इफ आई एम रिच, नहीं यहाँ पे वुड बोला है, वुड पास्ट टेंस है ना, इफ आई एम रिच
वुड सॉरी फ्यूचर टेंस, इफ आई वॉज रिच, इफ आई वर रिच, अगर मैं होता तो मैं सबकी मदद करता, ठीक है। भाई ये दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं? अगर क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं ये क्लियर है तो आप लोग जीटीजी बोल दें। आज की लास्ट क्लास है बिजनेस कम्युनिकेशन की, और कल हम लोग करने वाले प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आई होप आप लोगों को मेरे साथ में बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ के मजा आया, रिविजन करके मजा आया। हम लोग जल्द मिलेंगे मैराथन में इसकी, बट ये पढ़ के मजा आया है ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। एंड अगर मजा आया है तो प्लीज इस बार लास्ट क्लास में तो कमेंट्स में जरूर बता देना यार कि कैसा लगा क्लास, है ना। लास्ट क्लास है तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना। शानू कह रहे हैं सर आज का ज्ञान, बेटा आज का ज्ञान ये है कि अगर आप खुश हो तो कभी भी प्रॉमिस मत करो, और अगर आप दुखी हो तो कभी भी कोई भी डिसीजन मत लो। ये आज का ज्ञान। इफ यू आर हैप्पी नेवर प्रॉमिस एनीथिंग, एंड इफ यू आर सैड नेवर एवर टेक एनी डिसीजंस, ठीक है। मजा आया गाइस, मजा आया जो भी है आप लोग प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सॉन्ग यस लियो, आई डू रीड ऑल द कमेंट्स, एवरी कमेंट मैं सही में रीड करता हूं, ठीक है। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में, तेरी खुली खुली लटों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूं इसी ख्वाहिश में, रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ या ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल पर जरा जरा महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, हाँ। सो दैट्स ऑल गाइस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा। एंड भाई रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। ये आप लोगों के लिए डेडिकेटेड सॉन्ग फ्रॉम माय माय हार्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, लवली पीपल ओवर देयर। प्लीज मन लगा के पढ़ाई करो, इफ नॉट फॉर योर सेल्फ डू इट फॉर योर पेरेंट्स गाइस, है ना। वो पेरेंट्स के लिए जो आपके लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, जिनमें ना आप लोगों में आपके पेरेंट्स ही जान बसती है गाइस। तो आपके पेरेंट्स जो भी करते हैं वो आप लोगों के लिए करते हैं, ट्रस्ट मी। और जब वो कहते हैं ना, एक एक किस्सा सुनोगे, एक किस्सा सुनोगे छोटा सा, मुझे बताओ क्या आप लोग एक किस्सा सुनोगे तो मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मतलब जब अंश हुआ था, ये बात है तब की, जब मुझे, पहले तो ये बताओ क्या आप लोगों ने कभी अपने मम्मी पापा से सुना है कि जब तू बाप बनेगा या जब तू माँ बनेगी तब समझ में आएगा, यस या नो बताओ। हैव यू गाइज एवर हर्ड दिस कि जब तू माँ बनेगी या जब तू बाप बनेगा तब समझ में आएगा, क्या आप लोगों ने सुना है? सुना है ना ये चीज, सुना है गाइस? ये बहुत सत्य है, ये सत्य है। अब क्या होता है, पहले ऐसा होता था कि मैं कहीं गाड़ी से जा रहा हूं, कभी एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, पड़ गया, खून निकल रहा है, सब हो रहा है ना। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं गिर गया, तो मुझे यहां लगा था, इधर पे लगा था, यहां दाढ़ी पे लगा हुआ था, है ना, कंधे पे, एल्बो पे, यहां घसीटा हुआ था, है ना, ये इधर पे, कमर पे, है ना, थाइस पे, घुटने पे, टो तक पूरा घसीटा घसीटा घसीटा। तो मैं
आया तो मैंने शुरू कैसे किया, मम्मी को बताना कि जो सबसे कम लगा था ना वो बताया, मम्मी ये लगा है। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, मम्मी आ सॉरी यहाँ पे भी लगा है। बोले कहाँ कहाँ लगा है, बोला यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा। तो मम्मी गुस्सा हो गए, मम्मी ने कहा कहाँ लगा है जल्दी बता। तो फिर मेरे कमर पे बहुत इतना बड़ा पैच था जो छिल गया था पूरा। शर्ट उठा के बताया मम्मी यहाँ पे भी है। तो शी स्टार्टेड क्राइंग, वो बहुत जोर से रो दी, उनको बहुत ऐसा बुरा लगा। आई वॉज लाफिंग, बोला मम्मी क्यों रो रहे हो, ठीक है लगा है ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था जब तू बाप बनेगा तब समझ में आएगा, ट्रस्ट मी गाइस आई स्वेयर ऑन गॉड। अंश जब हुआ था तो आजकल आप लोग देखोगे बच्चे लोगों को जॉन्डिस होता है, बहुत नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने कहा था कि उसका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। इमेजिन अ स्मॉल बेबी, मेरा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है, वो मुश्किल से 5 2 4 5 दिन का होगा, उसका ब्लड टेस्ट। तो गाइस उसको जब ऐसे रखे और वो डॉक्टर ने उसको उसको सुई लगाया, आई स्वेयर ऑन गॉड मैंने वो डॉक्टर को इतनी गालियां दी थी जिसकी हद नहीं। उसको वहां पे सुई लग रही है, मेरे आंसू बह रहे हैं यहाँ से। तो वो जो फीलिंग है ना जो मम्मी पापा लोग बोलते हैं कि जब तुम पेरेंट बनोगे तब समझ में आएगा, गाइस वो सही में तब समझ में आती है। तो डू इट फॉर योर पेरेंट्स गाइस, वो हम हमारे लिए जो करते हैं ना वो बहुत कम, कोई नहीं करता है, कोई कर ही नहीं सकता। और हम वो जो करते हैं उसको मैच भी नहीं कर सकते ना। तो डू इट फॉर योर पेरेंट्स, लव देम, उनको जितना प्यार और इज्जत दे सकते हो बहुत कम है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, उनको ध्यान में रखिए, उनकी खुशी के लिए करो, नहीं अपने लिए तो उनके लिए करो। बस मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट जिस दिन आपका आएगा ना, वो रिजल्ट उठाना, मम्मी पापा को देना और बोलना मम्मी पापा ये आपके लिए, बस इतना बोलना। वो जो फीलिंग आएगी ना गाइस उसका कोई जवाब नहीं है, बस इतना बोल देना मम्मी पापा ये आपके लिए, बस इतना बोल देना। मैं आपको जो भी मैं आपके लिए करना चाहता हूँ ये आपके लिए, इतना बोल देना गाइस। उनकी वो कुछ कह नहीं पाएंगे शायद, उनकी आंखों में शायद पानी हो, है ना, खुशी के आंसू हो आपके लिए। उस दिन बहुत खुश फील करोगे आप, बहुत अलग हाई रहेगा, ये करके देखिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हम लोग कल मिलेंगे प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। भाई सेंटी नहीं होने का, अभिजीत भैया कहीं छोड़ के नहीं जा रहे रे, ना ही सीएस काटा को कहीं छोड़ के जा रहा है। ये तो टॉपिक खत्म हुआ है, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे बाबू चाक। अरे फिर मिलेंगे, सेंटी नहीं होने का, खुश रहने का हमेशा, बी हैप्पी, है ना, एंड जस्ट बी काइंड एंड स्प्रेड काइंडनेस एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताओ कम्युनिकेशन पढ़ के कैसा लगा अभिजीत सर के साथ, ठीक है। दैट्स ऑल, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो।